गांधीनगर ठीक है गांधीनगर सरोजनी। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और अभी बज रहे हैं रात के आठ बज रहे हैं आठ दोनों लड़ रहे हैं लाट का मार ठाने जाने मुझे एक बात तो बता लाट का मार ठाने जाने मुझे बात ते मैं चले बहन के लड़े कुत्ते की तरह भौंक के जा रही है लाट का मार ठाओ तुम एक सुन ले अपनी माँ का मार ठाओ तुम अबे कुत्ते का भौंक रहा कुत्ते का भौंक रहा कुत्ते को भौंक रहा कुत्ते को भौंक रहा है कुत्ते को भौंक रहा है बहन के लड़े कुत्ते को भौंक रहा है अबे कुत्ते को भौंक रहा है अपनी माँ का चुदा अपनी माँ का चुदा आदमी ऐसी करे तेरी माँ के पूरी माजरादारी जी उस पे पूरी माँ के अपनी माजरादारी पे सबसे महंगा माल तुझे क्या बता टैंगरो माजरादारी नहीं भाई सुन सुन तले लाट का माल और टैंक पे सबसे ज्यादा महंगा माल तले लाट का माल तो खाने जा रही लाट का माल गांधीनगर ठीक है गांधीनगर सरोजनी सुबह तेरी माँ की जब किसान का मोनी निकलता ना तो आदमी ना अपना बाहर हो जाओ हाथापाई करे पर हम हाथापाई करे हमें कुत्ते को भोग रहे ये कुत्ते को भोग रहे बहन के लड़े भाई कुत्ते अबे इन बहन को कुछ करना नहीं आता इन लड़ो कुछ पता होता है नहीं काम का कितने की देगा प्लेन वाले दुकान पे आऊंगा तो 250 रुपए दूंगा आठ पाल लेंगे 250 की ले जाऊंगा कपड़ा वो दिए 200 की देगा अगर इतने 200 की दे दी तो बता दूंगा यो बता पूरी दुकान में क्या देगा तू लपड़ा ले ले पूरी दुकान मेरी दुकान में बहन कुछ नहीं दिल्ली में कमा चुराओ अपनी कुत्ते का चुराओ बताने बिना का लपड़ा हर चीज क्यों कहते पाड़ी यो बढ़िया यो ले ले कलर वाली मांगी क्रीम कलर पाड़ी एक्सेल दे रहे मेरी जान ठाक है सुनते बहन के लपड़े पहले बता तू कलर चार्ट दिखा रहे तो कलर चार्ट दे 30 साइड देंगे हम तू कलर चार्ट दे ओ अभी कह रहे हैं बहन कर कुत्ते की तरह मैं भोक कर बीच में तेरी माँ का लड़ सुन ले देख सुन तेरे तेरा मुंह पता कैसे हो रहा रोने वाला अब तू हाथ चलाने वाला अबे यार चला दे उस दिन तेरी कमर बन गई बहन कर अबे बोल के दो आदमी बोला तीसरा अपनी माँ का चुरा कुत्ते की तरह बहन का भोक जा रही अबे की माँ की जी ना ये रोड देखता है फलान देखता कुत्ते इधर भोंक के रहा कुत्ते भोंक के रहा है कुत्ते मुँह मार दे रहे ऐसे मुँह मार यार बहन का लवड़ा भी पता होता कुछ है नहीं बहन के लड़े वहाँ सरोज नहीं मारी तो मेरा पहनना कपड़े तेरी माँ की मार के रहा थोड़ी जाऊंगा माल को हाँ उसे बहन को लेकर दिला उसकी माँ सुधर की रोज नहीं मार का होगा लवड़ो को समझा मेरे अबे लपड़े मेरे बिजनेसमैन करने बिजनेस में करने में पहनने में ऑफर होगा समझे थे पहन के लोग रहे थे झाड़ू का चिलो को लपड़ा फिर निकाल जा रही है बहन को सुन लिया हमारी लड़ो कहीं तो आंगन पता कितनी चप्पल आई हुई पता इससे कल मैंने पूछा कि चप्पल कितनी आई तेरे पे अभी देख नहीं पड़ेगी भाई अभी देख नहीं पड़ेगी तेरी भाई ओ मेरी तो इनने पूछा मेरे से चल वहां बैठ जा जाई जाई बात हो देख इनने मेरे से पूछा कि मेरी दुकान पे कितने की चप्पल आई थी कहीं मैं तुझे क्यों बता तो हम तो कमा चुदा रहे तेरे कपड़े तो थोड़ी देख तू ना चूत यार तू मुझे बता रिया मैं अपने भैया देख मैं सुन तले सुन तले देख तूने मेरे से पूछा मेरी दुकान पे चप्पल कितने की आई मैंने मना करा मैं तुझसे पूछा तेरी दुकान पे यो है तुमने कहा इतने की आई भी हो मैं इतने की दे दूंगा तू भाई मुझे क्यों बता दिया तू भाई होने की बता रहा थी मैं बता भाई मैं नहीं बता रहा तो तू भाई नहीं है तो तू बोल दल्ला दल्ला पता किसे कहेगा जैसे कुछ चीज मैंने तेरी गांड तुझे तेरी गांड दिलवा दी हो किसी को है देख बात कहा से तालिया है जब किसी के बंदे के पास कुछ जवाब नहीं होता ना तो वो हाथ तफाई करे मेरे पास जवाब है ना सुन तले तेरे पास नहीं है सुन तले उससे अगर मैं कोई चीज पूछ जाए कितने की भी मैं तो ये बताऊँ सही रेट बताऊँ तुम्हें जो बताऊँ तू भैया का अपना अब मुझे को बता भैया हमारे भैया ने मना करा था किसी को नहीं बताना हम नहीं बता रहे तुम्हारा भैया तो मीला का छुदा तो होगा तो क्यों पूछ रहे थे भैया पता रेट क्या आएगा हाँ
हम भी बता रहे वेट के लेस करेंगे तो तुम दो तो भाई हाँ तो लेस करके दे तुम दो अपनी उसकी दुकान पे फिक्स लगा दो तभी तो नहीं पता अब तू अपने वो बताइए तुमने वो चीज छुई इनने वो चीज छुई अभी वो बताओ वो अच्छी थी या बढ़िया थी देखा अब भाई मुझे एक बात बता दे मुझे वो चीज लेनी थी मुझे पसंद आ रही थी मेरी दुकान पे भाई जो मेरी दुकान में कोट रेंज में मिक्स आया हुआ था मैं लोग कह रहा था भाई कोट रेंज में सेम थे या नहीं भाई अब तू मुझे एक बात बता तू मुझे कोई चीज पीछे बोल दिया भाई वो मुझे कपड़ा अच्छा लग रहा अब जरा अच्छा लग रहा अब तीन में जाए बेकार है जाए भेजू मुझे तो अच्छा लग रहा भाई मैं तो पहनूंगा उसे ये नहीं भाई सही नहीं सही बात है अब इसको लिए अपनी थोड़ी पूछा तेरे से कि यो कपड़ा अच्छा यो तुझे पसंद आ रहा है नहीं मैंने तुझसे पूछा सामने वाली चीज बढ़िया है या नहीं यो नहीं पूछा कि तुझे तुझे पसंद है या नहीं मैंने पूछा कि वो चीज सामने वाली चीज पसंद सही है या नहीं यो नहीं पूछा कि सामने वाली चीज तुझे पसंद है भाई मेरी नैनो सही थी बस शुरू में बड़ा माल दिखाया था इससे भी पता बहन कर गुजरे थे भाई मैंने इसे पता क्यों मैंने तू अर्थ की दुकान वाला कह रही आ गया और तो भाई उसमें का मैं पीस लेके जा चुका मैं चार बार दुकान उसमें कुछ बिगाड़ नहीं पड़ी मुझे कपड़ा अच्छा लगा मैं लगा रहा भाई आप बता तो मैंने तेरी दुकान का छुआ और उसकी दुकान का छुआ अच्छा उसका अलग कर तेरा अलग तो आठ दुकान का अलग अलग आवे एक जगह ना आया बढ़िया पूछा थोड़ी क्या उस दुकान में और भी बढ़िया अलग अलग आवे पकड़ा गया अलग अलग आवे क्या पता बता मुझे एक बार बता जब अलग अलग दुकान पे हर जगह अलग अलग माल आवे तुम तो पहनी ना वो क्यों ना पहनी रखी मेरे पास में की अलग अलग माल आ रहा वो तो किसी चीज की कॉपी हो गई कपड़ा तो सेम ही आ रहा दोनों का कपड़ा भी अलग है तुमने 10 साल काम गलती हुई थी सुनकर सुनकर मेरे दुकान पे उस कपड़े का माल आया हुआ चिकने वाला ही क्योंकि दिखाया था मैंने दिखाया था अब वही वही था ठीक है भाई मैं उसमें कल जा चुका चार बार दिया ग्रे कलर है अलग अलग ग्रे कलर अलग अलग में सेम ही तो चीज होगी लेगा कॉपी पहन रखी वो ओरिजिनल है तो तुम्हें यूं कर दूं वो उससे ज्यादा चलेगा नहीं ना वो तो ओरिजिनल ओरिजिनल है कुछ नहीं पता तू काम करता थी सब कुछ पता है ठीक है हमें कुछ नहीं पता अभी इसकी बात तेरी बात का जवाब ना मैंने तुझसे पूछा कि मुझे सेल्समैन कितनी तकड़ी आ ना मैंने तुझसे पूछा कि वो इतना तगड़ा काम या नहीं तू बिना बात में घुस दूसरी चीज ला रही है और मुझे क्या इतनी जैसे कौन माशुदा रही है अपनी कपड़ा कितना बड़ा है कपड़ा कितना बड़ा इधर माचा मैं मैंने गया मैंने उसे पहले अपने सेम मैन को छोड़ दिया तो मुझसे धोखे निकल गया धोखे निकल सुन धोखे दे दे जवाब दे दे धोखे दे सुन पहले यार मुझे क्या बता इतनी देर से कपड़े की मांग कौन चुदवा रही है अनेक कपड़ा अच्छा है नहीं है भाई मेरी भाई मैंने तुझसे पूछा था कि वो कपड़ा बढ़िया है भाई तू बता रहा बढ़िया मैंने बढ़िया वो तू बता रहा खराब मैं कपड़ा लेकर आ तेरी नजर भाई मैं ले लूंगा ना तो तू मेरे लिए बता कि बढ़िया है नहीं सुन तले तेरी नजर लेता बढ़िया तू लेता अपन नंगे के चले लेता अंकलों से लेता तू बोल रही रात भाई दुकान भाई मुझे क्या बता और मुझे जब मैं उसका वो कपड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं तुझे बड़े बताऊंगा भाई मैं गलत तो बताने का नहीं होती है या नहीं भाई मैंने चार बार वॉशिंग मशीन में धुल गया वो कपड़ा वो अभी तक खराब नहीं हुआ मेरा क्यों नहीं हुआ वो बड़ा कपड़ा वो इसलिए तुझे बता रहा बड़े आएगा अब तुमने जब से गुआ मंगनी करो क्यों नहीं पहन करो यू बता दे तुमने खुला बता रहा यो बता रहा बिना चोट के पागल चुदा अब भैया हमें कुछ ना पता बहन के लड़ा कुछ ना पता हमें कुछ ना पता हमें कुछ नहीं पता तू ज्यादा पता है तू किले चुड़िया है मुझे बहुत मजा आ रहा है तुझे किल सारे में तो कल पहना मेरे सामने सकल देख इसकी सकल देख थोड़ी देर पता क्या करने वाला हो मैं पता देख 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 पाली सुन कल देख देख कल तो तेरी भी ऐसी पे कुत्ता कुत्ता कर रहे चिता चला के नाम से चिता गया था देख ले मेरा देख निकाल लू देख देख
भिगा दे गांठ जिसकी गांठ फटे ना उसकी हमारे गांठ पहली फटी हुई। चल तू अब समझ। हमारे गांठ पहली फटी हुई। हमारे गांठ पहली फटी हुई। तेरी सिलीवी का तो मुंह में था गया। मुंह में था गया क्या तू? नहीं बता। तेरे मुंह में था गया। सर पैर की बात बनना सर पैर की बात। पहले वाला मुंह में था गया क्या तू? मैं कुत्ते बोल क्यों भोग रहा है तुम? तू कल भी इतना भोग रहा था और आज भी इतना भोग रहा। अब कुत्ते का चुनाव कम बोलना करो। मैंने कोई गांठ पर लात मार के लाया तुम्हारी यहाँ से, समझ गया? नहीं कम बोलिए ना, बता रहे थे मुंह मुद्दों तेरे। अबे बहन का दूसरी बात चलने नहीं होने देता, पहले अपनी माँ चुराता है किसी की बात में। जूस पिला तू हाथों का इस बता हाथों का इस मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग हाथों का इस बता के लिए इतने हम लोग साथ हमसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल को डाल लेंगे नुमे आपका ब्लॉग हम कल को नुमे आपका ब्लॉग में चलेगा भी एक और बार कल को नुमे आपका ब्लॉग डाल लेंगे ओके काला जाए और मैंने जो मैं कल को मिलता है ठीक है बस बाय बाय।